अब आते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर, बहुत पुराने सब्सक्राइबर जिन्होंने लिखा है, उनका नाम सुजल है। उन्होंने लिखा है कि भाई मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, पहले आपने मुझे फॉलो किया था, अब आपने अनफॉलो कर दिया। मैं एक बात बोलता हूँ तुम लोगों को, फॉलो यार मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ, पता क्या हो रहा था, मैं तुम्हें अपनी एक प्रॉब्लम बता देता हूँ मेरे साथ हो क्या रहा था। मेरी फॉलोइंग अभी ज़ीरो है, मैंने एक बायो डाल दी है कि भाई तुम अनफॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम अनफॉलो कर लो, जिस जिसको करना है सब अनफॉलो कर लो। और यहाँ तक कि मैंने अपने भाई बहनों को, कज़िन्स को, दोस्तों को, सबको अनफॉलो कर दिया हुआ है अभी फ़िलहाल। और मैं कब तक ऐसे ही रहूँगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तंग आ रहा था। पता है ऐसा हो रहा था कि मैं लोगों को खुश करने के लिए ना मतलब चीज़ें कर रहा था। अभी तक कोई मैसेज करेगा उसको रिप्लाई दे देना है, मेरा मन नहीं होता था अगर रिप्लाई देने का, फिर भी एक रिप्लाई दे देता था ताकि ऐसा ना लगे कि भाई ईगो है, एटीट्यूड है, मतलब लग जाता है, लोग बहुत जल्दी जज करते हैं। लेकिन और कोई फॉलो करता था तो फॉलो बैक दे देता था, क्योंकि मेरे दोस्त का दोस्त फॉलो करता था तो उसको भी फॉलो बैक दे देता था ताकि ये इसका दोस्त है, फिर उनका दोस्त करता है फिर उसको भी दे देता, यार इस फॉलोड भाई ये है दे देता हूँ, मतलब ऐसे चल रहा था। मेरा मन नहीं भी होता था फॉलो बैक देने का, फिर भी मैं दे देता। इस चीज़ से मैं तंग आ रहा था, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं चाहता था, मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं कर कुछ और रहा हूँ, और फॉलो बैक देना मतलब पता नहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं नहीं करती हैं, पर फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को। तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें नहीं है मतलब मुझे फॉलो करना, तुम अनफॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं फॉलो बैक नहीं दूंगा फ़िलहाल किसी को भी नहीं। वो मेरी बहन है, बहन भी हो सकती है, मैं नहीं दूंगा किसी को नहीं, तो भाई भी हैं नहीं बोलने के अनफॉलो कर। और बहुत लोगों को लगा होगा अभी तो थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं और ये अनफॉलो कर रहा है आज से ही। मैं तंग आ रहा हूँ भाई, मैं सच में तंग आ रहा हूँ, तो मैंने कर दिया जो मुझे ठीक लगा, मैंने कर दिया। यहाँ तक कि मेरी अभी पोस्ट ज़ीरो कर दी है मैंने इंस्टाग्राम की। मेरा मन नहीं था बहुत सारे लोगों को अनफॉलो करने का, उनको भी अनफॉलो कर दिया, जिनका प्राइवेट अकाउंट था, जिनकी मैं स्टोरीज़ देखता था, मतलब खुशी से देखता था, उनको भी अनफॉलो कर दिया, नहीं देख पाऊँगा। मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे ना तो सिर्फ फीड ज़ीरो है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है उस पर। मुझे सजेस्ट कर रहा है कि तू किसी को फॉलो कर, अभी कुछ ऐसा इंस्टाग्राम हो गया है। और तंग आ रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों पर तंग आ रहा हूँ। देखो फेवरेट फूड जलाल ने पूछा है मुझे, मेरा एक भाई है जलाल, हमारे मोहल्ले का है, तो उसने मुझे पूछा है कि फेवरेट फूड क्या है आपका। फेवरेट फूड का मुझे पता नहीं, पर आइसक्रीम और रसमलाई, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बस, खासकर ये दो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैं आइसक्रीम की दुकान खाली कर सकता हूँ, मैं इतनी आइसक्रीम खाता हूँ, बीमार हो जाऊँगा मैं, यहाँ तक कि तुम सोच नहीं सकते हो। मेरी छाती ख़राब होती है मेरी, मतलब मुझे जुकाम होता है, कुछ कोल्ड होता है, मतलब मैं आइसक्रीम कुल्फ़ी खाता हूँ भाई, आइसक्रीम खाते रहता हूँ, ऑब्सेशन है मेरा मतलब उन चीज़ों में। रसमलाई, खासकर जमजम की रसमलाई और डिलीशियस की भी, ठीक है, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे खाना, बाकी कुछ खास नहीं। तो अबू आरिस बोलता है हमें कि हमें भी याद रखो कर लो। भाई जब भी कहीं घूमने जाता हूँ ना, जो मेरे पहलगाम वाले साथी थे सबकी याद आती है कि यार उनको भी बोल दिया होता, मैं जैसे ब्रह्मा पे गया था तो मुझे बाद में याद आया यार बोला होता उनको भी, काश आ गए होते तो एक थोड़ा रीयूनियन टाइप हो जाता, लेकिन नहीं भूल गया मैं, सॉरी यार, कभी मिलेंगे कोई बात नहीं। याद हो भाई जब तेरा कमेंट आता है ना, सब याद आ जाता है मुझे, तेरे कमेंट से तू बहुत ज़्यादा याद आता है मुझे भाई। यहाँ बैठ के ना मतलब मैं जब से ब्लॉग कर रहा, मेरा मूड अभी तक बहुत ज़्यादा वो था ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा लो था, अब थोड़ा कम हो रहा है, मैं जब से मैं जवाब दे रहा हूँ ये चीज़ों के तो अच्छा फील हो रहा है। तो मेरा एक जिगरी दोस्त है राहुल, बचपन का दोस्त, मेरा भाई है समझो, तो वो पूछता है बंदी या मैं। देख सिंगल हूँ मैं भाई, बंदी का कोई है नहीं अभी रास्ता, तो तू ही है। और हाँ देख बंदी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुझे पता है झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है, तू भी है बंदी भी है, मैं दोनों को साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसकी डिसरेस्पेक्ट कर दूंगा जिसको मैंने जिससे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे साथ चलाऊंगा, तो मैं उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ना तेरी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है, जैसा भी है हरामी तो है तू, चल जैसा भी है दोस्त तो है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं तू ही सिर्फ बंदी उस लायक होगी, तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी साथ साथ चलेगी, तू भी साथ वो भी साथ, एक साइड तू एक साइड वो, ठीक है ना, समझ रहा है ना, बस ऐसा सीन है, समझ, बस मैटर करता है बंदी उस लायक होनी चाहिए। एक और भाई पूछते हैं हमारे किश्तवाड़ के व्लॉगर्स का
के बारे में क्या कहना है आपको? तो भाई देखो, मैं सच कहूँ ना, मैं सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं व्लॉग्स दो ही लोगों के देखता हूँ भाई, सच। जब टाइम मिलता है, जितना मिलता है, मैं दो ही लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ। बाकी पता नहीं और व्लॉगर्स हैं नहीं है, मुझे नहीं पता है। एक स्पर्श कोतवाल और दूसरा आकर्षित सेन, ठीक है? तो दो लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ मैं, बाकी किसी के नहीं देखता हूँ। सच बोल रहा भाई, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो बाकी कुछ एक दो मैंने सुने हैं, जैसे हैं कुछ व्लॉगर्स और, ठीक है, जो रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब जिनकी कुछ क्लिप्स देखी है मैंने, तो मतलब रिपोर्टिंग टाइप करते हैं। क्या भाई तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो? व्लॉगिंग कुछ और चीज़ है, तुम मीडिया वाला काम कर रहे हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को कह रहा हूँ, अगर मतलब वो शायद उस तक ये बात नहीं पहुँचेगी और वो समझेगा भी नहीं शायद, पर तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है? तुम मीडिया वाले बने हो, तो मेरे पास मुद्दे हैं पॉलिटिकल। आज मोदी ने ये किया, आज राहुल गांधी ने अच्छा काम किया, मोदी ने गलत काम किया, ठीक है भाई? मोदी है ना, तुम कुछ कितना भी बोल दो मोदी को, मोदी के खिलाफ, पर मोदी मोदी है भाई। इंडिया की इंटरनेशनल जो आज इमेज है ना, वो उस बंदे की वजह से है, ठीक है? तुम्हारा राहुल गांधी नहीं बना पाया, या जो वो सरदार था, जो भी, भूल गया मैं नाम, ठीक है, वो नहीं बना पाया। तो सिंपल सी बात है। तो तुम लोग कितना भी चीख लो मोदी के खिलाफ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? और मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ में घुसने वाला नहीं हूँ, आसानी से घुस सकता हूँ मैं भाई, आसानी से नहीं घुसूँगा, ठीक है? तो बाकी मेरा ओपिनियन तो यही है, मीडिया वाला काम करना छोड़ दो, व्लॉगिंग करो, ठीक है? किश्तवाड़ को प्रमोट करो, ठीक है? अब पूछा है जम्मू के व्लॉगर्स के लिए कुछ। देखो, जम्मू के व्लॉगर्स बहुत मेहनत करते हैं, सही बात है। मतलब व्लॉगर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। हम भाई, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। हम रात रात को जागे हैं एडिटिंग करने के लिए, रात रात को जागे हैं, बहुत मेहनत लगती है। जम्मू के ब्लॉगर्स भी बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन जम्मू के ब्लॉगर्स मुझे इसी चीज़ पे मतलब खास इंप्रेस नहीं हूँ मैं उनसे, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स बनाते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट होती है उनकी ब्लॉग में। आज मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया, तुम ऐसा कैसे, मतलब तुम्हें लगता है इतनी किसकी लाइफ हैपनिंग है कि हर दिन एक लड़की आती है, फिर दूसरी आती है, अगले दिन फिर तीसरी आती है? इतना किसी के साथ नहीं होता भाई, हम भी तो हैं। हमारा एक दिन एक्सीडेंट, अगले दिन हमें पुलिस पकड़ेगी, सब स्क्रिप्ट है भाई। अगले दिन एक लड़ने आ जाएगा कोई हमसे, ऐसा नहीं होता है। लाइफ बहुत नॉर्मल होती है और बीच में कुछ ऐसा होता है। अब मैं कंटिन्यू, मतलब स्क्रिप्ट है भाई, सिर्फ स्क्रिप्ट है। लड़कियों को लाना और लड़कियों के साथ कंटेंट निकालना और बाद में उन्हीं लड़कियों को बोलना भाई, मतलब दोनों का फ़ायदा होता है, म्यूचुअल होता है सारा, लेकिन स्क्रिप्ट है। तुम जानू को फॉलो कर लो, क्या फ़ायदा भाई, अगर तुम ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट दिखा रहे हो? मतलब तुम अपनी लाइफ व्लॉगिंग है कि खुद को दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं और जो तुम कर रहे हो? तो तुम एक झूठ झूठ बता रहे हो अपनी ऑडियंस को कि हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो तुम ऑडियंस को, ठीक है? तो बस यही कहना है कि कुछ खास इंप्रेस नहीं हूँ मैं उनसे अच्छे हम किश्तवाड़ के ब्लॉगर हैं जो अभी स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं। मे बी, मतलब मैं तो नहीं बना रहा हूँ स्क्रिप्ट कभी, आगे बाकी बनाए नहीं बनाए मुझे नहीं पता है। मेहनत लगती है स्क्रिप्टेड ब्लॉग में भी, बहुत मेहनत लगती है, पर है तो स्क्रिप्ट ही ना। तो वो हो गया झूठी के व्यूज़ लाना, हमारी लाइफ जो है ही नहीं वो बताना, ठीक है? तो बाकी क्या ही कहना, बेकार लगते हैं भाई। जानू को स्टंट्स आते हैं बस, इसके अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है वहाँ। फिर हमारे एक भाई का कमेंट आता है, किश्तवाड़ में ब्लॉगर है वो स्टंट्स कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे, आप डर गए क्या? देखो भाई, डरने की बात नहीं है। मैं डरूँ, मैं क्या बोलूँ यार भाई, जब पुलिस वाले ही धल्ले हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कितना, मतलब मेरा कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, मेरा वो FIR लग के मेरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे करियर पे आगे बात आए, इस चीज़ से डरता हूँ। बाकी अगर एक बंदा स्टंट कर रहा है, तुम उस पर FIR लगा रहे हो और दूसरे बाकी अभी भी कर रहे हैं, उन पर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तो मतलब ये तो कुछ हो गया ना, वो सिफारिश वाला टाइप है ना। तो खासा मेरे साथ ऐसा बर्ताव है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है, मुझे नहीं पता है कौन लोग हैं जिन्होंने मुझ पे FIR लगाई थी कि स्टंट्स करता है, ऐसे करता है, वैसे। हमारे रितेश्वर भाई बोलते हैं, वो भी मेरा दोस्त है बचपन का, वो बोलता है दाढ़ी क्यों गाड़ दी भाई तूने? तो मैंने पहले भी बोला था शायद पिछले व्लॉग में कि दाढ़ी मेरे लिए मैटर नहीं करती अभी। मुझे NCC में बार बार दाढ़ी काटनी पड़ती थी और लुक बार बार ना अचानक से चेंज हो जाती थी, तो बहुत अजीब लगता था। अब मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ सब तब से, तो नॉर्मल लगता है, आंखों में बैठ जाता है इंसान, तो इस वजह से। और मेरे लिए दाढ़ी मैटर नहीं करती है, मेरे लिए अभी वही NCC मैटर करती है जैसा कि मैंने कहा था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे लड़कियां अभी पटानी नहीं है, तो कोई नहीं,
चलता है मेरे लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अभी इस चीज़ से, मैं बियर्डलेस अभी ठीक हूँ, कोई बात नहीं। और जिसको देखना है देख लो, नहीं देखना है भाई अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। एक और दोस्त अजहर मलिक पूछता है कि भाई कुछ भी बता दे जो मुझे पता नहीं है। देख जब तेरी स्नैप आती है, जब भी मतलब तेरा मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब याद आता है कि भाई हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, और हम लोग तू मैं और मोनिस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा घूमते थे, 10th के टाइम पे बहुत ज़्यादा साथ में घूमते थे, मतलब हम ही तीन सिर्फ। तो वो चीज़ें मुझे सभी याद आती हैं, हम जम्मू में भी किस हिसाब से घूमते थे, पैदल घूमते थे, पता नहीं कितना कितना चलते थे हम पैदल, एक फ़ोन को लेने के लिए हम पता नहीं कितना चले भाई। तो उसके अगले दिन अजहर को मुंबई जाना था, तो बहुत अच्छा कर रहा है, एक साल में स्टार प्लस पे आ गया है, फालतू शो है इसका, फालतू शो नहीं है भाई, नाम है फालतू, एक सीरियल है उसमें आता है मेरा भाई। और मतलब सच कहूँ ना, मैं फ्लेक्स करता हूँ इस चीज़ का, जब सारे बैठे होते हैं दोस्त लोग, तो मतलब जो जानते नहीं है भाई, हमारा दोस्त है मुंबई में बैठा है, स्टार प्लस पे आता है, मतलब अच्छा लगता है बोलना यार, सच में जेन्युइनली अच्छा लगता है। और हम मैं चाहता हूँ कि भाई तू कभी एक टाइम आए तू लीड में रहे हमेशा, अभी भी तू मतलब ठीक है लीड में है, लेकिन तू सबसे आगे तू रहे, हम मैं यही चाहता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुआ करता हूँ, और सपोर्ट भी है भाई फुल। तो आएगा ऐसा टाइम, तू करेगा आगे, और हम लोग भी भाई, हमें अच्छा लगता है, मैं मुझे ही नहीं मेरे, हम जितने हैं यहाँ पर बैठे होते हैं, हम बहुत खुश हैं तुझसे कि तूने एक साल में बहुत कुछ किया है। लोग वहाँ पर जाके 10-10 साल खजल होते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तूने एक साल में स्टार प्लस पे आया, और स्टार प्लस पे आया है भाई तू, छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार। रुबल लिखता है हमारा आकर्षित से इन ब्लॉग्स, भाई आपकी स्माइल पे इतनी लड़कियाँ फिदा क्यों हैं भाई, मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर है भी तो क्या ही कर सकते हैं, बाकी इस पे मैं क्या बोलूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे क्या बोलूँ। हाँ तो मेरी बहन है एक, छोटी बहन नहीं कहूँगा, मतलब मेरी जितनी है, अंजलि, जानते होंगे तुम लोग, पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। तो वो कहती है भाई भाभी कौन है अब तो बता दे। यार एक बात बता, तू मेरी बहन है, मतलब मैं तुझे बहन, तू मेरे को राखी बांधती है, तू मेरी कितने सालों से मतलब अब क्लोज है, जब तेरी भाभी बनी मैं तुझे बताऊँगा नहीं क्या, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं अपने हर एक दोस्त को बताऊंगा और खुद बताऊंगा, तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं छुपाऊंगा नहीं तुमसे कुछ, ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लो, अभी नहीं है कोई, सच में नहीं है कोई, और अभी फ़िलहाल बनेगी भी नहीं कोई, टाइम लगेगा, नहीं बनानी भाई। तो भुट्टा बोलता है मुझे, हम प्यार से यही बोलते हैं, भुट्टा भुट्टी, बस इतना ही बोलता हूँ मैं। तो भुट्टा बोलता है, वो भी दोस्त है अपना, कहता आपके व्लॉग्स बनाने का मकसद क्या है। व्लॉग्स बनाने का मकसद ये है, अब मैक्सिमम लोग पैसे के लिए करते हैं यूट्यूब मतलब स्टार्ट, पैसा तो ठीक है, मैं अब इससे वो नहीं करूँगा कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा बहुत चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सोच है, जो मैं सोचता हूँ, लोग वो समझें। मतलब इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, पर अगर मैं कभी फेमस हो गया आगे जाके, तो तुम लोग समझोगे कि मैं क्या चाहता था। मैं चाहता हूँ कि लोग रिस्पेक्ट दें, बस रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब बस उस चीज़ के लिए ये सब है, और कुछ भी नहीं है वजह। तो एक बहुत ही अजीब सा सवाल शिक्षा ने पूछा है, आप अपनी एक्स को कितना मिस करते हो। अब मैं मिस नहीं करता हूँ किसी को भाई, सच में नहीं करता हूँ, खासकर उन लोगों को ना जो लाइफ से चले गए हैं, भाई जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, बस यही बोलूँगा वो नागिन थी। ओ भाई अगर वो देख रही होगी ना, गालियाँ काटेगी मुझे, अब मैं सच बोलता हूँ, सच में वो नागिन थी। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी है वो, और बहुत अच्छी सोच है उसकी, अच्छी सोच है क्या पता नहीं, सोच अच्छी है नहीं है। तो हमारी रितिका पूछती है दिल के हाल बताओ, तो मैं दिल के हाल नहीं बता, हाल दिल के हाल और बातें सेम पता नहीं क्या होगा, पर मैं दिल की कुछ बातें बताता हूँ जो मेरे पास हैं अपने दिल में। तो देखो भाई, एलविश यादव जीता, अपने दोस्तों की वजह से जीता, ठीक है, उसके दोस्तों का बहुत सपोर्ट है उसको, और मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है, सच कह रहा हूँ, मतलब जिसका मुझे ऐसा सपोर्ट हो कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है। मैं
मुझे पता नहीं मुझे ये बातें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं जो फील करता हूँ मैं वो बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों को शायद इस चीज़ का थोड़ा अजीब लगे कि कैसे बोल रहा है, पर मेरे पास सच में कोई नहीं है जो मुझे समझे, जो मेरी मदद करे। ठीक है, कुछ दोस्त हैं मेरे, पता नहीं सब ताने मारते हैं भाई। कोई ये नहीं बोलता कि अंशुमन तू, जैसे विशु है मेरा दोस्त, आया है व्लॉग्स में, वो मुझे हमेशा बोलता है कि भाई स्क्रिप्ट बना, कुछ कर, तू कब होगा, कब उठेगा, कब क्या करेगा। वो एक बंदा है जो मुझे बोलता है। और दूसरा हमारा पार्थ आया था, पार्थ ने भी मुझे बहुत ये बोला कि भाई तू गालियाँ नहीं देता है, तू जैसा है तू एक गुड बॉय बना हुआ है व्लॉग्स में, बोलता तू है वैसा। मैंने बोला नहीं हूँ ऐसा। तो करता क्यों बना हुआ है? मैंने बोला भाई अंकल देखते हैं, बहुत सारी आंटीज़ देखती हैं, बहुत सारे मेरे पापा के दोस्त, मम्मा के दोस्त, मेरे रिश्तेदार देखते हैं, नहीं लगता अच्छा गाली देना, गाली गलौज करना, ये सब करना। गाली मैं उतनी देता भी नहीं हूँ, पर जितनी भी देता हूँ अच्छा नहीं लगता है। तो कहने लगा यार क्या फ़ायदा ऐसे व्लॉगिंग करने का, जो तू है ही नहीं। तू वो लोगों को बता रहा है कि तू इतना शरीफ है, लोगों को लग रहा है कि तू शरीफ है। फिर ये चीज़ मुझे सच में थोड़ा दिमाग में हिट हुई कि यार सबको ऐसा सच में लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं सबसे तमीज़ से बात करता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं ये गलत है, मतलब मैं एक ऐसी इमेज बना रहा हूँ तुम लोगों के सामने जो मेरी है ही नहीं, जो मैं हूँ ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। इसलिए वो बोलने लगा कि भाई जैसा जो निकलेगा मुँह से वो बोल। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, उसने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। और बाकी तो कुछ दोगले दोस्त भी हैं जिनको दोस्ती का मतलब नहीं पता है। क्या मैं एक बात तुम्हें बोलता हूँ, इंसान को हमेशा ना परखना, अपने जितना भी क्लोज होगा ना बंदा, कितना भी क्लोज होगा, सबको परखना। परखने से पता चल जाएगा कौन किस काम आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारी क्लास में ही हमारे क्लासमेट जितने थे ना, हम सारे तगड़े दोस्त थे, कोई 15-20 हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा एक भी दोस्त मेरे काम नहीं आया है, सच बोल रहा हूँ। मुझे लड़ाइयाँ, मेरी लड़ाई होती थी ना भाई, मुझे पता नहीं मैं बातें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई होती थी ना भाई, मेरे दोस्त मुझे मतलब मैं पाँच छः लड़के मुझे मार रहे होते थे, मैं कितनों को मारता, तो वो मेरे दोस्त ऐसे बाजू पे बाजू डाल के ऐसे देख रहे होते थे। मतलब ऐसा ऐसे सीन मैंने देखे अपने दोस्तों के, मतलब बुरा लगता है भाई। और ऐसा अगर उनके साथ होता तो सबसे आगे मैं होता उनके लिए, सबसे आगे। मेरे दोस्त को कोई हाथ लगा देगा ना भाई, माँ कसम मैं हाथ तोड़ दूंगा वो वाला। खासकर जैसे राहुल है, मुझसे उसके लिए तो मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होता है मुझसे बर्दाश्त, मैं पागल हो जाता हूँ फिर तो। है लेकिन वैसा रिस्पांस मुझे नहीं मिला किसी से कि मेरे लिए कोई ऐसा हो, तो चलो कोई नहीं चलता। और बाकी क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत बातें मेरे दिमाग में, माँ कसम करके बोल रहा हूँ, मतलब ऐसी बातें ना जो जब सुनेंगे तो मेरे दोस्त भी उनको भी बुरा लग जाएगा शायद, लेकिन सच तो सच है ना भाई। तुम लोग खुद सोचो तुम लोगों ने क्या किया है मेरे लिए आज तक, मतलब मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है, उतना कुछ मैंने भी नहीं किया होगा, पर इतना है कि अगर तुम्हें कुछ होता तो भाई तुम्हारा भाई सबसे आगे खड़ा होता तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे साथ जब हुआ तो मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है, बस ये बात है। और मैंने सबको माफ़ कर दिया हुआ है यार, इतना एक गम नहीं रखता हूँ मैं, सब दोगले हैं भाई, सब दोगले हैं। मैं एक बार की बात बताता हूँ, मतलब मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें एक मेरे दोस्त की ना फ़नी क्लिप थी। अब दोस्त में दोस्ती में ना, मतलब मैं देखो मैं अपने दोस्त की तारीफ़ तो नहीं कर सकता हूँ ना मेरे सामने, हाँ मेरे दोस्त हैं अच्छे हैं सारे दोस्त मेरे, लेकिन मैं अब उनके सामने कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, दोस्ती में ये सब नहीं होता है भाई। दोस्ती में सिर्फ टांग खींची जाती है, टुच्चियाँ की जाती हैं सिर्फ, और सामने तो बिल्कुल यही होता है, बकचोदी की जाती है। तो मैंने एक बार अपने दोस्त की एक फ़नी क्लिप डाली और शाम को व्लॉग अपलोड कर दिया, और उसका मैसेज आता है ग्रुप में, हम सब दोस्तों का ग्रुप था, है मतलब, उसमें उसका मैसेज आता है कि तू खुद को समझता क्या है, मतलब तू दूसरे को ऐसे बेकार समझता है और तू खुद को पता नहीं क्या समझता है, ऐसा कुछ लिखा उसने, और बहुत सीरियस वे में। तो मुझे बहुत मतलब थोड़ा बुरा लगा मुझे कि यार मतलब मैं तो मजाक कर रहा था, इतना क्या हो गया, और क्या हो गया भाई, तेरी शक्ल तो आई है नॉर्मली, अगर तुझे तेरी शक्ल से ही प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज़ है,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर ये सब होगा। अगर होती मतलब पता होता कि थोड़ा सा भी गैस होता, अंदाज़ा होता कि उस चीज़ को उसको इस चीज़ का बुरा लगेगा, तो मैं नहीं डालता। और बाद में जिस हिसाब से उसने रिएक्ट किया, मैं शॉक हो गया था भाई कि यार ये कैसे बोल रहा है ऐसा, मुझे बुरा लगा था। तो फिर अब कम बात करता हूँ मैं मतलब वैसे दोस्तों से, वैसे दोस्त भी हैं मेरे पास, दोस्त क्या बोलूँ यार, दोस्त मन छोड़ो, लेकिन उनसे अब थोड़ी कम बात करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं ना एक ऐसे फेज़ में आ गया हूँ। देखो भाई मैं सच बताता हूँ, जो बंदा मुझे अपने, मैंने हर इंसान को आज़मा लिया है अब लगभग, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है ना मुझे ये भी पता है, कौन किस हिसाब से मुझे सपोर्ट कर रहा है मुझे ये भी पता है। मेरे दो तीन कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे पहले से देख रहे हैं, मुझे उनका भी पता है, जो हर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे उनका भी पता है, मैं भूलता कुछ भी नहीं हूँ। तो बस मैं अभी फ़िलहाल में ना ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ हर चीज़ को, मेरे दोस्त मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मेरा कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये मुझे सब पता चल रहा है मेरे व्लॉग से ही, मेरे कमेंट्स से ही, मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे ही पता चल जाता है। तो टाइम आने पर देखते हैं क्या होता है, जो सपोर्ट करेगा वो तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और जो नहीं करेगा वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो फ़िलहाल तो इतना ही है, अभी तक सब ठीक चल रहा था, मैंने दोस्तों की बात करके फिर से अपना मूड ख़राब कर लिया थोड़ा, और अब व्लॉग को एंड कर देता हूँ, शायद दो पार्ट्स में डालूँगा, तो देख लेना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जय श्री राम। थोड़ा लो साउंड किया हूँगा इस ब्लॉग में स्टार्टिंग और एंड पे, पर मूड नहीं था आज कुछ भी करने का, पर फिर भी मैंने आज पहली बार थोड़े लो मूड में ब्लॉग बनाया है। मैं कैमरे के सामने आता हूँ ना, मुझे पता नहीं कि मैं ये स्माइल क्यों आती है मेरे चेहरे पे, जो कि है ही नहीं एक्चुअल में, अभी सच में नहीं है, मैं मतलब बहुत लो फील कर रहा हूँ अभी, पर जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ ना बस ये स्माइल निकलती है, पता नहीं क्यों। और अब करीब एक घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, अब मैं निकलता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा तो मैं कहाँ बैठा हूँ, पर आते रहता हूँ मैं यहाँ पे बैठने, जब थोड़ा बुरा लगता है, जब थोड़ा मूड अच्छा नहीं होता है तब। चलो बाय बाय, जय श्री राम, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और गाइस एक चीज़ और मैं बोलना चाहता था, जो कि मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था लेकिन बोलता नहीं था, तो वो लोग जिनको मेरी गालियाँ पसंद नहीं है, जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, या जिनको मुझसे कोई भी दिक्कत है, ठीक है, पहले तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं होगा, जिसको ऐसा सीन है, जिसका साथ ऐसा सीन है मेरा, लेकिन अंकल आंटीज जितनी भी हैं, मैं ऐसे देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मैं एक ऐसी सब्सक्राइबर बेस चाहता हूँ जो मेरे से बात करे, जो मेरे लिए रिएक्ट करे, और मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर शायद अंकल और आंटीज़ हैं, तो वो इतना कमेंट करते हैं जो मैं पूछता हूँ, मतलब मेरे लिए स्टैंड लेने वाले नहीं है, मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे लिए स्टैंड लें, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता है वो सब अनसब्सक्राइब कर दें प्लीज़, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है वो अनसब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।